हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है बढ़िया होगे। आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए हमने ये काली दाल ली है, थोड़े से इसमें डालने के लिए हमने राजमा लिए हैं। ये राजमा ऐसे वाले लिए हैं, दो तीन तरह के आते हैं, ऐसे वाले हमने लिए हैं। और ये जरा सी हमने चने की दाल ली है। इन सबको हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि दाल हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम गली हुई बने। ये देखिए गाइस, हमारी 3 से 4 घंटे तक ये दाल और राजमा हमारे भीग गए। अब ये देखिए, थोड़े से वैसे हो गए, फूल गए हैं। अब इनको हम कुकर में पानी डाल के 5 से 6 सीटी बुलवा देंगे। ये देखिए गाइस, कुकर में हमने इतना पानी रखा है और इसी में हम जो दाल राजमा हमने भिगोई हुई थी वो डाल देंगे और इसको 5 से 6 सीटी हम बुलवा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये काले माह की दाल को तड़का लगाने के लिए दाल मखनी बनानी है, उसके लिए हमने ये अदरक ली है। अदरक आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और लहसुन भी आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बढ़िया रहेगा। एक प्याज लिया, ये अदरक लहसुन, 3 टमाटर हमने ले लिए हैं, और ये हमने थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्च ले लिए। इन सबको हम अच्छे से धो के बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखिए गैस, दाल मखनी को हमने तड़का लगाने के लिए लहसुन हमने बारीक बारीक काट लिया, ये थोड़ी सी अदरक हमने कद्दूकस कर लिया है, और इधर ये थोड़ी सी अदरक और लहसुन ये हमने ऊपर से तड़का लगाने के लिए लंबा लंबा काट लिया है। ये हरी मिर्च, प्याज और ये 3 टमाटर हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये देखिए, इधर कढ़ाई हमने रख दी है मखनी दाल को तड़का लगाने के लिए। हमने मक्खन डाल दिया, इसको अब हम मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें हम पहले लहसुन डाल देंगे। ये देखिए गाइस, लहसुन हमारा थोड़ा सा भुन गया है। अब इसी के साथ हम अदरक जो हमने कद्दूकस की हुई है, या बारीक भी काट सकते हैं, इसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसी के साथ हम कसूरी मेथी जो हमने थोड़ी क्रश कर ली है, इसको डाल देंगे। इसको भी हम महक आने तक भून लेंगे। बहुत ही बढ़िया महक आने लग गई है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटे हुए हैं, और इसी के साथ में हम हरी मिर्च भी डाल देंगे जो हमने बारीक काटी हुई है, और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज भी हमारा हल्का सा भुन गया। अब इसी में हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिसा धनिया 1 चम्मच और हल्दी 1/2 चम्मच। इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज भी हमारे अच्छे से भुन गए और इसमें हल्दी मसाला भी हमारा भुन गया। अब इसी में हम डाल देंगे टमाटर जो हमने काटा हुआ बारीक, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके भूनने के लिए रख देंगे, ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। और ये देखिए गाइस, दूसरी तरफ हम कुकर खोल के देखते हैं कि दाल हमारी गली है या नहीं। ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से गल गई जैसे हमें चाहिए। 5 से 6 सीटी में दाल अच्छे से गल जाती है। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम जो दाल हमने उबाली थी वो डाल देंगे। अब इसको गैस हम कस के उबाला आने देंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए गैस, दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम एकदम बढ़िया सा लुक देने के लिए एक तड़का लगाते हैं। ये देखिए गैस, तड़का लगाने के लिए हमने कड़छी में तेल डाल दिया है, मक्खन है मेल्ट हो गया है। ये देखिए, तेल हमारा मक्खन गरम हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे ये
तीन से चार कली लहसुन की। और गैस हमने कर दी अब बंद। अब इसी में हम डाल देंगे दो ये सूखी लाल मिर्च, और इसी में हम डाल देंगे ये थोड़ी सी अदरक। ये देखिए ये तड़का हम इसमें डाल देंगे, और इसी में हम डाल देंगे मक्खन, जिससे हमारा लुक एकदम मस्त आ जाएगा। ये देखिए इसमें हमने थोड़ी सी डाल दी क्रीम, जो एकदम मस्त हो गई। ये देखिए दाल हमारी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम मखनी दाल। इसमें थोड़े से हमने राजमा डाल दिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत गजब का हो गया। गाइस इस तरह अगर आप हमारी दाल मखनी बना के देखेंगे तो बहुत ही गजब का इसका टेस्ट आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे इस तरह बनाई हुई मखनी दाल कैसी लगी। बाय बाय।